देश और सरकार दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक ही चीज है? सब एक है, एक है। देश सरकारों से ही देश चलता है। देश जो है और सरकार जो है दोनों अलग अलग है, लेकिन एक ही वर्क तो एक ही करता है। देश के लिए सरकार करती है, सरकार के लिए देश करता है। क्या भेदभाव यार, देखिए इतना पॉपुलेशन है, भेदभाव तो होना ही है। कितना कितने लोग को आप ध्यान रख सकते हो? सरकार की आलोचना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये बताइए। नहीं, नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सरकार का आलोचना करेंगे तो मनोबल टूटेगा और काम नहीं हो पाएगा। या इतना कांग्रेस के शासन में देते तो गोलियां चलती, मार के फेंक दिए गए होते। नमस्कार, आज 26 जनवरी है और पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। हम आए हैं बनारस में 80 घाट पर और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आज़ादी के क्या मायने हैं लोगों के लिए और गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। और जब संविधान लागू किया गया तो जो सपना था, जो एक उद्देश्य था, वो कहां तक पूरा हुआ है? समता का, बंधुत्व का और सबको समान अवसर प्रदान करने का जो वादा था, जो हमारा उद्देश्य था, लक्ष्य था, उसको हमने कहां तक पूरा कर पाया है? और देशभक्ति के क्या मायने हैं लोगों के लिए? इन सब मुद्दों पर बात करेंगे लोगों से और लोग जानेंगे कि आम जनता की क्या राय है। रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, जो गणतंत्र दिवस है क्यों मनाते हैं? उस दिन हमारा संविधान जो है लागू हुआ था भारत में। तो आपको क्या लगता है कि जो जब संविधान लागू हुआ तो कुछ उद्देश्य थे उसके कि देश में समता, बंधुता और सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, तो आपको कितना लगता है, कितना अचीव कर पाया है देश में? पूरा अचीव कर लिया है, बचा ही क्या है। बीजेपी गवर्नमेंट में सब कुछ, सारा कानून जो है अच्छे से लागू कर रहे हैं। वहाँ देखिए धारा अपना 300 क्या कौन सा था, कश्मीर 370, उसको हटाई दिए। जो फालतू फालतू कानून थे वो सब हटाई गए, अब जो कोर कानून है वही सब बचा है और अच्छा ही चल रहा है सब कुछ। हाँ भैया, राशन मिलता है, मिलता है। बढ़िया क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी का इतना मोटा मोटा चावल मिलता है भैया। नमक अरे नमक वमक छोड़, चावल तो समझिए इतना मोटा मोटा चावल है कि बच्चे। अच्छा नहीं है, खाने लायक नहीं है, पकाने पे पूरा पक नहीं रहा है। अच्छा, और नमक में तेजी नहीं है, नमक भी अच्छा नहीं है। हाँ, भी यहाँ ये सब नमक हम लोग पैसे वाला जो है थोड़ा सा डालते हैं, वहाँ इनका नमक जो है अधिक डालना हो रहा है। क्या भेदभाव यार, देखिए इतना पॉपुलेशन है, भेदभाव तो होना ही है। कितना कितने लोग को आप ध्यान रख सकते हो? भेदभाव तो होना ही है। सरकार की आलोचना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये बताइए। नहीं, नहीं करनी चाहिए। सरकार की आलोचना करना मतलब देश के खिलाफ होना है? जी। तो मतलब हम नागरिक के बतौर नागरिक हमको सरकार की आलोचना नहीं करनी चाहिए, सरकार को कब समर्थन करना चाहिए? जी, यही ना। और सरकार का हम समर्थन नहीं करेंगे तो सरकार का मनोबल कमजोर हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएंगे। जी जी। तो जैसे हम लोग नागरिक हैं यहाँ के, तो हमारी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम मोदी जी का पूरा समर्थन करें, तभी वो काम कर पाए। जी जी सर, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सरकार और देश क्या अलग अलग चीज़ें हैं कि एक ही चीज़ है? दोनों, अब देखिए अलग अलग मायने तो नहीं हो सकते। देश अगर बोल रहे हैं तो सरकार जो है तो दोनों ही अलग अलग है। हाँ, दोनों ही अलग है। सरकार की आलोचना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए। देश और सरकार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं कि एक ही चीज़ है? देश जो है और सरकार जो है दोनों अलग अलग है, लेकिन एक ही वर्क तो एक ही करता है। देश के लिए सरकार करती है, सरकार के लिए देश करता है, जनता को। ये बताइए कि सरकार की आलोचना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सरकार का आलोचना करेंगे तो मनोबल टूटेगा और काम नहीं हो पाएगा। हमारी जिम्मेदारी है बतौर नागरिक की हम सरकार का समर्थन हमें करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, सरकार का समर्थन करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, तभी तो आगे चल के कुछ वर्क होगा, बढ़िया काम होगा उनको, उस संत आदमी को जो है। ये भी कह सकते हैं कि जो लोग सरकार का विरोध करते हैं उनको देशद्रोही कहा जाए तो गलत नहीं होगा ना? जो लोग सरकार का विरोध करते हैं, विरोध करिए ठीक है, लेकिन उस एक तरीके से होना चाहिए, एक सिस्टम से होना चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी विरोध कर रहा है, बुरा तो बात ही अलग है। तो ये तो एक जो है कि कैडर वाली बात हो गई और देशद्रोह का तो टाइप का काम हो ही रहा है। बिल्कुल देश ही द्रोह है। सर, देशभक्ति आपकी नज़र में देशभक्ति के क्या मायने हैं? देशभक्ति क्या है? देशभक्ति मेरे मायने में तो यही लगता है कि जैसे जिस गांव में मैं रहता हूं, गांव से कस्बा, कस्बा से शहर, शहर से डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इंडिया, तो आप जहां से भी हो, भारत के लिए किसी प्रकार से कोई भी हेल्प आप कर पा रहे हैं, वही देशभक्ति है। देश और सरकार दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक ही चीज है? सब एक है, एक है। देश सरकारों से ही देश चलता है।
मोदी जी बहुत बढ़िया चला रहे हैं, पूरे विश्व में भारत का नाम हुआ है, अमेरिका तक की हिम्मत नहीं है, चाइना की हिम्मत नहीं है भारत को आंख दिखा सके। सरकार की आलोचना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए विपक्ष तो जरूर होना चाहिए, विपक्ष नहीं होगा तो हिटलर हो जाएगी सरकार, ये तो हम मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र नहीं हिटलर शाही होनी चाहिए, मतलब कि लोकतंत्र भारत में जैसा है वैसा अमेरिका, भारत का लोकतंत्र एकदम सबसे उत्तम है, लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र है होना नहीं चाहिए भारत में है। नहीं, मतलब आप शाहीन बाग में देख लीजिए कितनी गालियां मोदी को दिया, कई वर्ष तक किसानों ने इतना दिया, इतना कांग्रेस के शासन में देते तो गोलियां चलती मार के फेंक दिए गए होते, बाबा को एक हफ्ते में ही लाठी चार्ज करके भगा दिया गया कांग्रेस के शासन।